तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत करते हैं कोने वीडियो में। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है। तो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है किस तरीके से जो यूतांग होती है वो यानुई के घर की जाँच करने के लिए आई हुई है कि यानुई यहाँ पर मौजूद है या नहीं है। तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि किस तरीके से यानुई वहाँ से गायब हो चुकी है। तभी वो अपने साथी से कहने लगती है, तुम जल्दी से जितनी भी डिटेल्स है यानुई के बारे में वो पता लगा और वो कहाँ कहाँ पर गई थी, शायद हमें कोई लीड मिल जाए उन लोगों के खिलाफ जो मिस हो चुके हैं, वे यंग पीपल्स। और तो और हमारे ग्रुप को ही बोल दो कि नेशनल वाइड वांटेड क्रिमिनल का पोस्टर लगा दो उसका, और चाहे कुछ भी हो जाए उसे ढूंढ कर निकालो। और मन में सुस्त कह लगती, अगर यह जहाँ से भाग चुकी है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसे पता चल चुका है कि इसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई है। अब लगता है कि जो यानू ही है वाकिंग विद द कनिंग फॉक्स निकली। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है लिनमो के घर की तरफ। लिनमो मन में सोचते बैठकर देख सोच रहा होता है और कह रहा होता है, जैसा कि मैंने उस पेपर डॉल से देखा था और ये मेरे लिए सोचना बिल्कुल आसान है कि जो यानुई है उसका वेनलेबल मतलब वेनलेबल डीमन डेविल से के साथ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है। लेकिन जो जिनहाई है सिर्फ वही एक ऐसी जगह नहीं है लार्ज नंबर लोगों के साथ जो यहाँ पर गायब हुए हैं। इसको सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लगता है कि जो यानुई है वो इस डेविल स्वॉर्ड का एक पपेट में से एक ना एक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे फिनिक्स ग्रुप की पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यानुई को दूर सकूँ। तभी वो सोच ही रहा होता है तभी उसका कोई गेट खटने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जी जुआन को जो कि लिनमो को बुला रहा होता है और कहने लगता है, क्या तुमने न्यूज़ को देखा, आखिरकार जो जियान हुई है वो वांटेड लिस्ट में क्यों आ गई है। तभी लिनमो से लगता है, मैं इस बात को लेकर भी श्योर नहीं और मैं उसे इतने अच्छे से जानता भी नहीं हूँ, और सीधे दरवाजे बंद कर देता जोर से। तभी जी जुआन उससे कह लगता है चिल्लाते हुए, हे जल्दी से जाकर न्यूज़ देखो। तभी लिनमो जाकर देखता है जहाँ पर न्यूज़ में लिखा होता है कि जो ही जान हुई है फेंगजियांग इंस्टीट्यूट की, उसे सस्पेक्ट किया जा रहा है कि वो कई पूर्व लड़कों को मतलब यंग मैन को अब्यूज्ड और मर्डर के केसों में कई सालों से, लेकिन इस समय पर इसकी जो लोकेशन है वो अननाउन है और पूरी की पूरी कंट्री में ये वांटेड लिस्ट पर है। और तभी यानुई की इमेज दिखाई जाती है और मन में सोचते कह रहा होता है हमारा एम्परर कि ये सर्च टीम में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंस है, लेकिन बदकिस्मती से यानुई के खिलाफ इनके पास अभी भी कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। तभी जो जियो होता है वो मन में मतलब ये सब सिचुएशन देखने के बाद कहने लगता है कि जरा इस बिच को देखो, से इस वुमेन को जो अभी भी मेरे मास्टर के साथ पंगे लेना चाहती है। और तभी जो लिनमो होता है मन में सोचते कहने लगता है, जो वेनरेबल डीमन है वो अभी भी अगर यंग मैन के यंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहता है तो उसने कोई ना कोई फॉर्मेशन जरूर सेट कर रखी होगी। और इतनी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बनाने के लिए कोई ऐसी जगह चाहिए पड़ेगी यहाँ पर जहाँ की यिन एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। तभी वो अपने बॉक्स से कुछ निकालने लगता है और यूनजी जी देखते हैं मन में और जीव मन में देखते सरप्राइज होता है, लगता है मास्टर आखिरकार क्या ढूंढने में लगे हो आप। तभी कुछ वुडन बोर्ड्स लिनमो को मिल जाते हैं और वो कुछ करने लगता है और मैजिक कास्ट करते हुए उन वुडन बोर्ड्स का कुछ होने लगता है और वो कुछ गोल गोल में कट कुटू कन्वर्ट हो जाते हैं और वो एक कुछ में बन स्नान में बदल जाते हैं। स्नान का मतलब सच मार लेना। ये देखकर जो जीव होता है सरप्राइज होता है, एक कंपास होता है स्नान चाइनीज में कहा जाता है इसको, जो डायरेक्शन के बारे में बताता है। और लिनमो कहने लगता है कि जो वेनरेबल डीमन की जो पावर्स हैं उनके साथ जो इस दुनिया के लोग हैं फिनिक्स ग्रुप है उसे बिल्कुल भी नहीं जुड़ पाएंगे जब तक हम मैजिक पावर का लियोर करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते और मुझे इस स्नान मतलब इस कंपास को बनाने के लिए स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो स्पिरिट स्टोन और उस कंपास को मर्ज कर देता है अपनी टेक्निक से। भाई साहब कितना कूल लग रहा है ना बंदा। इस कारण एक वहाँ पर धमाका होता है एयर प्रेशर और वो मैजिक कंपास रेडी हो जाता है। ये देखने के बाद जो जियो होता है वो टोटली कंफ्यूज सरप्राइज होता है और जो कंपास होता है वो इशारा करने लगता है दूसरी तरफ। और जियो बन में देखते मतलब ये सब देखने के बाद उससे कहने लगता है लिनमो से, मास्टर आप तो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आपने इस कंपास को इतनी ज़्यादा इनर्ट मतलब इंस्टेंटली बना दिया जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल कंपास है। तभी लिनमो से कहने लगता है तुम इसे बचा कर रखो। तभी जियो उससे कहने लगता है, ठीक है मास्टर, वैसे आप ये बताइए कि ये सिनान है वो आपने किस लिए बनाया है। तभी लिनमो से एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है, जो कंपास है ये बताएगा कि सबसे ज़्यादा पावरफुल यिन एनर्जी कहाँ मौजूद है इस दुनिया में मतलब इस सिटी में। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और अजीब सा महसूस होता है और वो अपने पपेट को ऑर्डर देता है छुपने के लिए और उससे कुछ महसूस होता है खिड़की से और वो खिड़की की तरफ देखता है तो यूतांग वहाँ पर आ जाती है। भाई साहब इसको देखकर तो वो कतई सरप्राइज होता है और वो आती और कहती है खिड़की खोलो, लेकिन भाई लिनमो होता है वो कहता है 911 पर क्लॉक कॉल कर देता है। ये देखने के बाद यूतांग चिल्लाना चालू कर देती है और उससे कहने लगती है, ये फैट का जल्दी से खिड़की खोल दो। तभी वो खिड़की खोल देता है और यूतांग अंदर आती है अपने बड़े बड़े गुब्बारों के साथ और कहने लगती है, मुझे माफ़ कर देना जो मुझे इस कारण तुम्हें आज चोट लगी। भाई साहब ये अपने बड़े को बालक के साथ आ कैसे गई 8 packs के साथ, ये ड्रेस कैसी लग रही है आपको कमेंट में जरूर बताना। तभी लिनमो उससे पूछ लगता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हुई वो भी खिड़की से। और यूतांग उससे पूछ लगती है, इस तरह की बकवास करना बंद करो और मुझे बताओ आखिरकार तुम्हें चोट कहाँ लगी है। तभी लिनमो मन में सोचते क्या लगता है, क्या ये सस्पेक्ट करने में लगी हुई कि मुझे चोट नहीं लगी हुई है, लेकिन किस्मत से मैंने अभी भी उन घावों को अपनी एनर्जी से हील नहीं किया और वह स्कार्स अभी भी मौजूद हैं और कह लगता है कि मेरे पैरों पर और मेरे हाथों पर। तभी जो यूतांग होती है वो उसके पैरों से कपड़ा ऊपर कर देती है। भाई साहब कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है इसके हाथ, अबे ठरकी लौंडिया थोड़ी इज्जत विज्जत ख्याल रख लिया करो, इस तरीके से बगल वाले आंटी ने देख लिया ना तो बब्बर मचा देंगे पूरी कॉलोनी में। और जिस तरीके की पोजीशन में जी बैठी हुई है जिस तरीके से हाथ करके उठा रही है, भाई कुछ याद नहीं आ रहा, लौंडों को तो पता ही होगा खैर।
और ये सब देखने के बाद लिनमो चिल्लाना चालू कर देता और कह लगता है, आखिरकार तुम क्या करने की सोच रही हो। तभी यूतांग उससे कह लगती, मैं तुम्हारे घाव को क्लीन कर देती हूँ, वरना सारा का सारा जिम्मेदार तुम्हारे स्कार के लिए मुझे ही माना जाएगा। तभी वो कुछ पट्टी वट्टी मरम पट्टी करना चालू कर देती है उसकी, और उसके पैर जिस तरीके से साफ करने में लगी हुई है। और भाई साहब ख्याल तो देखो उस लौंडिया के, मन में सोचते कह लगती है, इस फैट गाय के जो पैर है वो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट है और बहुत ज्यादा प्रिटी है। भाई साहब चाटना चालू कर दो पैरों को, कुछ और नहीं चाटना। तभी जो पपेट होती है यानी कि जो जुए होती है, वो मन में सोचते बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है भाई साहब, और कदम ये दे सब देखने के बाद कहने लगता है, ये मास्टर आपने सिर्फ इसे अपना हाथ दिया और इसने तो आपका पैर पकड़ लिया, ये आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है मास्टर, अभी उल्टा सीधा ना कर दे आपके साथ। तभी लिनमो अपने पैंट को नीचे करता है और उससे कह लगता है, तुम यहाँ पर मुझे दूरते आई हो ताकि तुम मेरे बांध को ठीक कर सको। तभी यूतांग उससे कह लगती है, तुम्हें तो पता ही होगा, तुमने सुना होगा न्यूज में किस तरीके से सभी के सभी लोग जाने को दौड़ने में लगे हुए हैं, क्या तुम्हें पता भी है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। तभी लिनमो उससे कह लगता है, कुछ ज्यादा याद नहीं है मुझे, कुछ भी याद नहीं है जब से उससे मिला हूं मैं। तभी यूतांग उसी की जिस खिड़की से वापस आई थी, मतलब जिस खिड़की से आई थी उसी खिड़की से वापस जाने लगती है और उससे कह लगती है, तुम ये तो यूजलेस है तुम्हें बताना के लिए, बैठ रहेगा मैं यहाँ से चली जाऊँ। तभी लिनमो ये देखता है और कह लगता है, मन में सोचते आगे क्या ये वुमन गेट से क्यों नहीं जाती है, खिड़की से क्यों आ रही है। और तभी उसके कंधे पर हाथ रखता है और यूतांग को रोके लगता है, भाई साहब बवाल लग रही है बवाल। तभी लिनमो उससे कह लगता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ जानहुई को लियोर करने में। और इस वक्त जिस पोजीशन में दोनों के दोनों खड़े हुए हैं, ये देखने के बाद यूतांग का चेहरा थोड़ी लाल पड़ जाता है और थरक से भर जाता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग गुब्बारे देखते हैं ना ऊपर से देखो देखना पसंद है, वैसे ही यूतांग लिनमो की वो सिक्स पैक दिख रही है जहाँ पर उसका बटन खुला हुआ है और ऊपर से उसका वो दिख रहा है बिना कपड़ों के लौंडा, और वो उस ट्रक के मारे सहन नहीं कर पाती है। भाई साहब क्या लौंडिया के लेवल के ट्रक है यार, किस लेवल के ट्रक है, वो उस ट्रक के मारे नीचे गिर जाती है। और लिनमो कह लगता है, तुम वाकई बहुत ज्यादा जल्दी नहीं एग्री हो गई। तभी नेगेटिव का सीन दिखाया जाता है, लिनमो स्कूल में पहुंच जाता है, यहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती है और लिनमो से कहने लगती है, ए लिनमो क्या तुम ठीक हो, तुम्हें पता है जो जान हुई है वो वांटेड है, बढ़िया हो गया उसे पुलिस पर जल्दी ही पकड़ लेगी, वरना हमें नहीं पता था कि वो तुम्हारे साथ क्या करते फ्यूचर में, हमें तो पहले से ही पता था कि जो जान हुई है बिल्कुल भी अच्छी बंदी नहीं है, कहता एक नंबर की बिच है बिच। तभी जो लिनमो होता है वो उन लोगों से कह लगता है, मुझे पता था लेकिन क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकती कुछ समय के लिए। नहीं, यहाँ पर एक और लड़की आती है और उससे कहने लगती है, ए सभी के सभी लोग मेरे साथ आओ, यहाँ पर एक नए लड़के का ट्रांसफर हुआ है। और उसे देखने के लिए सारी सारी लड़कियाँ वहाँ से चली जाती है और उससे कह लगती है, क्या भाई यहाँ पर जल्दी आ चुका है, पहले ही जल्दी लो। और ये सब देखने के बाद टोटली कंफ्यूज होता है लिनमो, लड़कियों का टेस्ट करते ही तुरंत बदलता है तुरंत। तभी नेक्स्ट सीन में एक चौमू को दिखाया जाता है चश्मुद्दीन को, जिससे लड़कियाँ पूछ रही होती हैं, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस क्लास में हो। तभी जो चश्मुद्दीन होता है वो अपना नाम बताता है और कहने लगता है कि मेरा नाम शैन लिंत्यान है, और खैर तुम मुझे लिली कह सकते हो। भाई इस लौंडे का नाम तो देखो ले ले, भाई क्या ले ले, साला ट्रकपन अभी से दिखाने लगा, नाम में दिखा दिया इसने अपना ट्रकपन। तब बगल से किसी गुजरते हुए देखता है, तभी एक लड़की लेले से कहने लगती है, ए लेले चल तो मेरे साथ चलो, यहाँ का जो मेन एंट्रेंस है वो इस तरफ है। और वो कहने लगता है, चलो चलते हैं हंसते हुए। तभी लेले मन में सोचते हुए कहने लगता है, मैं इस स्कूल में ताकि इसलिए ट्रांसफर रहा हूँ ताकि मैं जानहुई के बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकूँ, पर मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर मुझे सरप्राइज मिलेगा और यहाँ पर इस तरीके गर्ल भी मौजूद होगी। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यूतांग को, जो कि उस एक क्लास के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है, पैर ऊपर करती है, भाई कुछ दिख जाएगा, कितनी बार कहूँ कुछ दिख जाएगा रे बेड़ू, और उस दरवाजे में जोर से लात मारती है और वो दरवाजा वहीं पर टूट जाता है, खुल जाता है पता नहीं। ये देखने के बाद लेले सरप्राइज होता है और जो यूतांग है वो चलाते हुए कह लगती है, फेट गए स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल को छोड़ना मत। तभी लिनमो उससे कह लगता है, कितनी बेवकूफ हो तुम। और इतना ज्यादा सोचने के बाद लेले कहते हैं कंफ्यूज होता है। तभी स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर स्कूल खत्म हो चुके हैं और लिनमो घर जाने के लिए तैयार है और यूतांग उससे कह लगती है, हे लिनमो मुझे फॉलो करो, और वह जाने लगता है उसके पीछे और केमिस्ट्री लेबोरेटरी पहुंच जाते हैं। तभी लिनमो उससे कह लगता है, तुम्हारी क्यूरियोसिटी के लिए मैं बता दूं, मैं ऑलरेडी क्योर हो चुका हूं, और अगर तुमने मेरे पैरों को फिरते उस तरीके छूने की कोशिश की ठरकी की नजरों से तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। भाई तीसरा पैर तो कह दी मैं छू लेना, कांड हो जाएगी, कांड बब्बर मच जाएगा, वीडियो वायरल हो जाएगी, जो कि बंदे बिल्कुल नहीं चाहते। तभी यूतांग उससे कह लेते हैं, घंटा कैसे फर्क पड़ता है, मुझे तो घंटा नहीं पड़ता, और कुछ चीज देते हुए कह लगती है, जरा इसे देखो, और उसे एक ठरकियों वाली बुक देती जिसमें सारे सारे वो टेक्निक लिखी होती है किस तरीके से लड़कों को काबू में किया जाता है और मास्कोट के सारा सारा आइटम के फोटोज लिखी होती है। इसको देते हुए वो कहने लगती है, ये मेरे एक पुलिस इन्वेस्टिगेट करने वाला रिलेटिव है जिसने मुझे यह बुक दी है जब वह यानुई के घर को इन्वेस्टिगेट करने में लगा हुआ था। यहाँ पर लिनमो जैसी बुक को पढ़ता है और उसमें लिखा हुआ था कि हाउ किस तरीके से लिनमो का इस्तेमाल किया जाए। भाई साहब समझ रहे हो किस तरीके से लिनमो का यूज किया जाए और क्या बुक में था मटेरियल, समझ गए होंगे सब लोग। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है ना लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भाई दबा दो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, गला बैठ गया मेरा चिल्लाते चिल्लाते, अब तो दबा दो सब्सक्राइब बटन लाइक बटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सीनोरा सनिंग आउट।